कैसे हो तुम सभी। मैं हूँ आपका दोस्त गेमिंग किंग जो जो तो गाइस, आज का ये हमारा सेकंड एपिसोड है हमारी TH10 फिक्स डेड वॉल सीरीज का। इस सीरीज के अंदर गाइस हम लोग अब अपनी जो वॉल्स है गाइस उनको फिक्स करने वाले हैं। हाँ गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं हर एपिसोड के अंदर एक न्यू स्ट्रेटजी लाऊंगा, जो गाइस आज की इस वीडियो में गाइस जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताने वाला गाइस वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ओपी स्ट्रेटजी है फार्मिंग के लिए। मैंने इससे अटैक किया और मुझे बहुत अच्छी लूट भी मिलती है और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ईजिली फार्मिंग भी कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं TH9 की रस डेन फिक्स सीरीज का सेकंड एपिसोड, तो गाइस वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है। उम्मीद है गाइस मेरा ये वीडियो तुम लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और जो भी टाइप फर्स्ट है सब्सक्राइब कर देना, उस बेल आइकन को दबा देना। तो चलो ना गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस ये लोग ये यहाँ पर तुम गाइस आर्मी देख रहे हो, तो गाइस आर्मी कुछ ऐसे होने वाले है। इसके अंदर गाइस आप लोगों को 10 जाएंगे, यहाँ पर 3 पैक का 3 बेबी ड्रैगन 38 और 50 पैक गाइस यहाँ पर तुमको 12 ने यूज करने है। उसमें कॉम्बिनेशन गाइस फिर एकदम सिंपल होने वाले है। यहाँ पर 4 हीलिंग है, लेकिन गाइस आप लोगों को 2 हीलिंग एक रेक और एक फ्रीज बननी है। अब गाइस मैं डोनेशन की बात करूँ तो डोनेशन के अंदर गाइस आप लोग इलेक्ट्रो या लूल ले जा सकते हो या फिर वॉल ले जा सकते हो गाइस, ठीक है, जॉब लेना चाहो। अब गाइस इससे आप लोगों को फार्मिंग कैसे करनी हुआ एकदम ध्यान से सुनना। तो चलो गाइस चलते हैं अटैक पे। यहाँ पर हम लोगों को बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ओपी लूट मिल चुकी है। अब गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको कैसे इसका यूज करना है। तो गाइस सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह पर यहाँ पर उसके एलिक्जा कलेक्ट है। तो गाइस मैं करूंगा कि आप लोग ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पर मैं अपने एक बेबी को डिप्ले करूंगा। अब ये बेबी करेंगे गाइस वो लोग आप खुद ही देखना। अब ये जो बेबी गाइस ये सब ये क्लियर करेगा गाइस, ठीक है, रुको गाइस अभी यही आना चाहिए, यही आ रहेगा गाइस, ठीक है। ये देखो मैंने दूसरा भी डिप्ले कर दिया, ये तो गलती से कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक साइड हम लोगों ने क्लियर कर दी बेबी से। अब गाइस यहाँ पर गाइस हम लोग एक और बेबी को डिप्ले करेंगे गाइस, ठीक है, देखते हैं हमारे बेबी कितना यहाँ पर क्लियर कर पाता है। जितना क्लियर कर पाएगा उतना अच्छा रहेगा। अब गाइस यहाँ से गाइस मैं डिप्ले करूंगा अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन को गाइस, ठीक है, हम लोग यहाँ पर सीच को यूज नहीं करने वाले। ओके गाइस यहाँ पर 2 एलिक्जर कलेक्ट हमारे बेबी ने कर लिया। ओके गाइस यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रो है और हो सके गाइस तो तुम लोग इलेक्ट्रो को देख दो या फिर मैं तो कहूँगा मत दो गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रो जितना क्लियर करेगा उतना आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। अब देखो गाइस यहाँ पर 2 ही बच्चे हैं जो कि गाइस हम लोग फार्म कर लेंगे। अब गाइस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ से 10 जायंट्स को डिप्लॉय करना है। देखो गाइस जैसे मैं करूँ और 10 जायंट्स को डिप्लॉय करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को वापस स्टार्ट कर देना है आपका, ठीक है, सब कुछ जो है। फिर आप अपनी किंग आएगा, क्वीन आएगा, फिर गाइस आप लोग एक बार ध्यान रखना है, रुको गाइस आपको क्या ध्यान रखना है रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने एक हीलिंग दे दिया, फिर यहाँ पर गाइस आप सभी लोगों को 12 अंश से फार्मिंग कर लेना है, जो जो कि बाकी रह गया, तो ये सब भी बाकी रह गया। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले 3 पैकों को डिप्लॉय कर दूंगा, तो यहाँ सब 12 अंश से गाइस मैं फार्मिंग कर लूंगा गाइस, ठीक है। देखो फार्मिंग करने के लिए आपको 1 स्टार बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाएगा, 3 स्टार का तो गाइस मुझे पता नहीं। हमको यहाँ पर रेड स्पेल देनी चाहिए और यहाँ पर हम लोगों को फ्री स्पेल देनी चाहिए गाइस, ठीक है। ओके गाइस हमारे पैक का बाहर गए लेकिन कोई काम नहीं था हम लोगों पैक का, हम लोग अगर पैक का अंदर आ जाते गाइस तो आपके 2 स्टार आ जाते, तो आई थिंक सो अभी भी आ सकते हैं लेकिन चांसेस तो कम है थोड़े। हम लोग यहाँ पर एक हीलिंग दे देंगे, 4 हमारे पास बाबे हैं। देखो गाइस हम लोगों ने फार्मिंग कितनी इजीली कर दी गाइस तुम लोग खुद ही देख लो, और आई थिंक सो गाइस हम लोगों को 1 स्टार तो बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल गया। अभी 2 स्टार का गाइस हम लोगों को देखना होगा। तो गाइस अटैक तो बहुत ही बढ़िया हो गाइस, तुम लोग क्या बोलते हो, क्योंकि गाइस अगर ऐसे तुम लोग भी फार्मिंग करोगे गाइस तो आप लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर TH10 को भी मैक्स कर लोगे। ओके गाइस बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हमारे पैक का फिर से बाहर जा रहे हैं, नहीं ये बाहर नहीं जा रहे हैं। ओके गाइस तो अब मैं 2x कर रहा हूँ मेरे वीडियो को। देख सकते हो हम लोगों ने बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ओपी फार्मिंग कर लिया गाइस। अब हम लोग करने वाले सेकंड अटैक, लेकिन गाइस सेकंड अटैक गाइस हम लोग करने वाले विदाउट डोनेशन गाइस, ठीक है। लेकिन गाइस सेकंड अटैक से पहले देखो मेरे पास अच्छा खासा गोल्ड है, अच्छा खासा एलिक्जर है, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पर थोड़ी वॉल्स को फिक्स कर दे गाइस, देखते हैं यहाँ पर कितने वॉल्स हम लोग बना पाते हैं, अच्छे खासे गाइस हम लोग बना पाएंगे। ओ
ओके गाइस अब हम लोगों ने इतनी वस्तु बना लिया, अभी भी अच्छा खासा गोल्ड है, लेकिन गाइस मैं क्या कहूंगा यहां पर थोड़ी हेली जब यहां पर रिसर्च में देखने तो कुछ रखने जैसा है। ओके गाइस यहां पर रिसर्च में रखने जैसा है, तो गाइस यहां पर गाइस हम लोग रखने वाले अपने गोब्लिन को। तो गाइस 1 2 3 बूम गाइस, ठीक है हम लोग ने अपने गोब्लिन को रख दिया। अब गाइस हम लोग सेकंड अटैक करने वाले हैं जो कि विजर्ड डोनेशन होगा, लेकिन मेरा किंग हो जाए तब तक। तो चलो गाइस डायरेक्ट लूट पे मिलते हैं, बिकॉज मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी मिल गए। अभी तो मैंने सर्च करना स्टार्ट ही किया था और मुझे लूट मिल गए। ओके गाइस अब गाइस हम लोग को करना क्या है, सिंपल गाइस यहाँ पर एक बेबी, यहाँ पर एक बेबी और यहाँ पर एक बेबी। अब देखते हैं हमारे बेबी कितना क्लियर कर पाते हैं। आई थिंक सो हमारे बेबी बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ओके भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बेबी गाइस, ठीक है। ओके ओके ये सब क्लियर गाइस, ठीक है। मैं करूँगा कि यहाँ पर एक जायंट को डिप्लॉय करूँगा और फिर बार्बेरियंस करूँगा। आई थिंक अच्छे खासे बार्बेरियंस में कर दूंगा। ओके गाइस ये इलाका भी यहाँ पर क्लियर कर देंगे हमारे बार्बेरियंस। अब गाइस हम लोग करेंगे क्या, तुम लोग खुद देखना 1 2 3 4 5 और फिर बच्चे कुछ जाएं, फिर यहाँ पर सारे के सारे गाइस हमारे आ जाएंगे आचर बार्बेरियंस। फिर यहाँ पर पैक का बाहर नहीं जाने चाहिए यार, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग हमारे पैकिंग क्वीन को यहाँ से जाने देते हैं और सब कुछ यहीं से जाने देंगे गाइस, ठीक है। हीलिंग तो भाई मैं वेस्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि कोई काम नहीं है हीलिंग का ऐसे टाइम पे। किंग पिन बाहर आ चुके हैं लेकिन हमारे पैक का बंद नहीं आएंगे और यहाँ पर कैसे हम लोग रेस पर ले देंगे। ओके भाई सब हमारी फार्मिंग तो कैसे तुम लोग खुद ही देख लो, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ओपी फार्मिंग कर लिया 2 अटैक्स के अंदर, कैसे तुम लोगों ने देख लिया। आज के इस एपिसोड के अंदर कैसे हम लोगों ने गॉब्लिन को अपग्रेड किया, फिर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी वॉल्स बनाए गए, ठीक है। अभी भी मैं बनाने वाला हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि सेकंड अटैक बहुत ही ज़्यादा ओपी हुआ है। ओके किंग को एबिलिटी दे दी मैंने। ओके भाई बहुत ही बढ़िया, एक स्टार भी तो आ चुका है ऑलरेडी। ओके ओके हमारे पैक का कोई अटैक टारगेट कर दिया। ओके लेकिन इसको पता नहीं अब इसके साथ क्या होने वाले। अरे नहीं यार जायंट बम फट गया वरना ये क्वीन। ओके ओके गाइस यहाँ पर तो गाइस हम लोग 2 स्टार निकाल नहीं पाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं निकाल पाएंगे। ओके कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग एंड बैटल कर लेते हैं। ओके भाई लोग तुम लोग देख लो, हम लोगों ने सेकंड अटैक भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया गाइस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ओपी अटैक हुआ हमारा सेकंड अटैक भी। तो चलो गाइस अब हम लोग होम विलेज पर चलते हैं और देखते हैं गाइस, ठीक है। ओके चलो चलते हैं। ओके गाइस अब हम लोगों ने यहाँ पर करने वाले क्या एक और बहुत सारे वॉल्स बनाएंगे गाइस, ठीक है उनको देखते। अरे नहीं यार इतनी रोज सिलेक्ट हो रही है, चलो कोई बात नहीं यहाँ पर चलता रहता है ऐसा। तो लोग आज का यही था मेरा एपिसोड, उम्मीद है गाइस मेरा ये सेकंड एपिसोड तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस तुम लोग खुद ही देख लो, हम लोगों ने बहुत सारे वॉल्स को फिक्स कर लिया। अब गाइस थर्ड एपिसोड के अंदर गाइस क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारे वॉल्स को फिक्स करने वाले हैं और थर्ड एपिसोड के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छा सोचा है। उम्मीद है गाइस थर्ड एपिसोड के लिए तुम लोग वेट करोगे। तो गाइस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और जो भी टाइम पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। तो चलो ना गाइस यहां पर वीडियो को एंड कर लेते हैं।